गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 8 एंड द चैप्टर नेम इज द लेजी ग्रास ऑपर। लेजी आलसी, ग्रास ऑपर यानी टिड्डा। आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का ये टिड्डा होता है, इसको बोलते हैं ग्रास ऑपर। इट इज़ ए इंस्पायरिंग स्टोरी, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें प्रेरणा देती है। देर इज़ ए ग्रास ऑपर एंड एन आंट। इस स्टोरी में एक ग्रासोपर है, टिड्डा है और एक चींटी है। द आंट वर्क हार्ड फॉर द कमिंग विंटर। ये जो आंट है, ये जो सर्दियों का मौसम आने वाला होता है उसके लिए ये कठिन मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करती है। लेकिन टिड्डा जो है वो कुछ भी नहीं करता और सर्दियों का मौसम आ जाता है। He was out of food. उसके पास कोई खाना नहीं होता। We went to the aunt. और तब जब उसके पास कोई खाना नहीं होता तो वो टिड्डा जो है वो aunt के पास जाता है। तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक चींटी जो है परिश्रम और मेहनत के साथ अपना जो है आगे जो कमिंग विंटर होती हैं उसके लिए अपना भोजन जोड़ के रखती है, और टिड्ढा जो कि आलसी होता है वो किस तरीके से परेशानी को फेस करता है जानेंगे। वंस देयर लिव्ड ए ग्रास ऑपर इन द फील्ड। एक फील्ड में, एक मैदान में एक ग्रास ऑपर रहता था। ही वॉज वेरी लेजी, वह बहुत ही लेजी यानी आलसी था। ही शेंक डूइंग एनीथिंग, वह कुछ भी काम करने से शिक्ड होता था यानी कि बचता था। And loved to sing, केवल उसको एक ही काम पसंद था, गाना गाना। And play all day long long in the bright sunshine, और सूरज की रोशनी में उसे केवल एक ही काम पसंद था कि गाना गाना और बहुत पूरे दिन खेलना। There lived some ants nearby, उसी के पास कुछ चींटी रहती थी। The ants work hard day and night, चींटी दिन और रात कठिन परिश्रम करती थी। दे स्टोर्ड फूड फॉर द कमिंग विंटर, वे स्टोर करती थी यानी कि भंडार करके रखती थी चीज खाने की चीज़ों का आने वाली सर्दियों के लिए। द लेजी ग्रास ऑपर ऑफन मेड फन ऑफ देम, और लेजी ग्रास ऑपर क्या करता था, केवल अक्सर उन पर जो है मजाक किया करता था, उनका मजाक बना दिया करता था। Why do you work so hard? कि तुम इतना कठिन परिश्रम क्यों करती हो। He would often ask them, वह अक्सर उनसे कहता था, Look, देखो, how beautiful the day is, कि आज का दिन कितना सुंदर है। And look at me, और मेरी तरफ देखो, how I enjoy myself in the bright sunshine, कि मैं इस चमकीली रोशनी में, सूरज के प्रकाश में कितना अपने आप को आनंदित करता हूँ। कम आओ, लेट्स सिंग एंड डांस टुगेदर, आओ हम गाएं और एक साथ डांस करें। ही वुड से टू द आंट्स, वो अक्सर इस बात को उन चींटियों से कहता था। लेकिन चींटी क्या कहती थी, सॉरी फ्रेंड, माफ़ कीजिए दोस्त, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, कि हमारे पास बर्बाद करने के लिए, वेस्ट करने के लिए कोई समय नहीं है। वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स, हम अनाज को स्टोर कर रहे हैं। ग्रेन्स मीन्स होता है अनाज। फॉर द लॉन्ग विंटर, लंबे सर्दी के मौसम के लिए। अहेड आने वाले, अहेड मीन्स आने वाले समय के लिए। दे वुड रिप्लाई, और उनका केवल यही आंसर होता था। द लेजी ग्रास ऑपर वुड लाफ लाउडर, इस पर क्या करता था ग्रास ऑपर, जो आलसे ग्रास ऑपर था वो और ज़्यादा हंसता था। समर एंडेड, गर्मी का मौसम जो था वो समाप्त हो गया। एंड कम द कोल्ड विंटर, और सर्दी का मौसम शुरू हो गया। द विंड ब्लो स्ट्रोंगर, जो हवा थी वो अधिक तेज हो गई। एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, और बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। द फील्ड वॉज कवर्ड विद स्नो, जो मैदान थे वो कवर्ड हो गए यानी ढक गए विद स्नो, बर्फ से। एंड देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ फूड एनीवेयर, और वहाँ कहीं भी कोई भोजन नहीं था।
देयर वॉज नो ग्रास, ना तो वहाँ कोई घास थी, ना ही कोई फ्लावर्स थे और ना ही कोई पत्तियाँ थी। अब ग्रासोपर, द ग्रासोपर वॉज हंग्री, ग्रासोपर जो था वो भूखा था। ही ट्राइड टू फाइंड सम फूड फॉर हिम, उसने अपने लिए भोजन तलाशने की कोशिश की, बट इन वेन, इन वेन इज ए प्रेज, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। वॉट शैल आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना होगा। आई हैव नथिंग टू ईट, मैंने खाने के लिए कुछ नहीं किया। आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन यानी कि भूख, अब मुझे भूख से मरना होगा। स्टारवेशन मीन्स भूख से मरना। ही क्राइड, वह चिल्लाया। सडनली, अचानक ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, द आंट्स, चींटियों की याद आ गई। देयर ग्रेनरी इज फुल ऑफ ग्रेन्स, उनकी जो ग्रेनरी थी यानी कि अनाज घर था वो अनाज से भरा हुआ था। लेट मी गो, मुझे वहाँ जाना चाहिए एंड आस्क फॉर सम फूड, और कुछ भोजन के लिए कहना चाहिए। दे वुड नेवर रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स मना करना, वे कभी भी मुझे मना नहीं करेंगी, ही थॉट, उसने सोचा। सो द ग्रासोपर वेंट टू द आंट्स एंड नॉक्ड एट द डोर, इसीलिए ग्रासोपर जो था वो चींटियों के पास गया और उनका दरवाज़ा नॉक्ड मीन्स खटखटाया। एंड ओल्ड आंट ओपन द डोर, एक बूढ़ी चींटे ने दरवाजे को खोला। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। डियर ब्रदर, प्यारे भाई, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, एंड कोल्ड, और ठंड से परेशान हूँ। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। विल यू प्लीज़ लैंड मी सम फूड, क्या तुम मुझे कुछ खाना दोगे। प्लीज़, कृपया, लैंड मी, उधार, मुझे उधार दोगे, सम फूड, कुछ भोजन। अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स वरना, इट इज़ ए कंजक्शन वर्ड, अदरवाइज वरना आई शैल डाई ऑफ स्टारवेशन, मैं भूख से मर जाऊँगा। द ग्रासोपर सेड, उस ग्रासोपर ने कहा, बट वाट वर यू डूइंग ऑल द समर, लेकिन तुम पूरी गर्मियाँ क्या कर रहे थे। डिड यू नॉट सेव एनी थिंग फॉर विंटर, क्या तुमने विंटर के लिए कुछ भी नहीं बचाया। एक्चुअली द डेज वर सो वार्म एंड ब्राइट, एक्चुअली क्या था, वास्तव में क्या था, वो जो दिन थे वो बहुत ज़्यादा गर्म थे और ब्राइट यानी कि अच्छे थे। आई सेंग एंड डांस्ड, मैंने केवल गाना गाया और डांस किया, ऐसा बेचारे ग्रासहॉपर ने कहा। यू लेजी, तुम आलसी हो, एंड नाउ यू हैव कम टू बैग, और अब तुम्हें, तुम यहाँ मांगने आए हो, बैग मीन्स होता है मांगना। गो एंड डांस अवे द विंटर, तो अब जाओ और पूरी सर्दियाँ भी डांस करो, जैसे तुमने गर्मियों में अपना समय गुजार दिया ऐसे ही सर्दियों में भी तुम जाओ और डांस करो। द ओल्ड आंट सेंट इन एंगर, बूढ़े चींटे ने गुस्से में कहा। एंड स्लैप्ड द डोर ऑन हिज फेस, और बहुत स्लैप्ड का मतलब होता है, ऐसे स्लैप का मतलब होता है चाटा मारना, लेकिन यहाँ स्लैप्ड का मतलब है डोर को बंद कर देना, एक तेज झटके से दरवाजे को बंद कर देना, और उसने उसके फेस पर दरवाजे को तेज़ी से बंद कर दिया। तो देखा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला कि जब हमें, हमारे पास समय होता है तब हम उस समय का सदुपयोग नहीं करते, और फिर जब समय बीत जाता है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। तो प्यारे बच्चों, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें, हमारे लिए प्रत्येक क्षण कीमती है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और जब समय बीत जाए तब हमारे हाथ केवल पछताना ही लगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।